स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। वीरा और मैं एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। अब आगे तेनू जो ठीक लगे तू जाने, ठीक ना भी लगे तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे प्यार का मामला है। आज का पूरा दिन बेकार चला गया, तो कुछ कह ही नहीं पाया मैं रणवीर से। और कल तो 4 बजे की ट्रेन से वो निकल जाएगा, फिर क्या खाऊं कि मेरा दिमाग ऐसे तोड़ने लगे। कुछ तो कह पाऊं मैं, कुछ तो करूं। कौन है? और एक है, इसे अभी याद आई है मेरी। हाँ सॉरी बलदेव, वो भी कुछ देर पहले ही लौटी। वैसे तूने वो काम पूरा कर दिया? वही गल तो मैं तेनू शाम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पाया मैं। 2 बारी कोशिश की मैंने। हाँ मैंने भी कोशिश की थी जब मैं निहाल चाचू दे नाल गई थी, लेकिन मेरा भी नसीब खराब निकला। एक मिनट, तू निहाल चाचू के सामने काम करने जा रही थी है? हाँ उन्हें भी तो मालूम ही है ना। हाँ सही कह रही है तू। अच्छा ठीक है, सब छोड़। अब तू यह बता कि अब की करना है? कल 4 बजे तक कई टाइम है हमारे पास। एक काम करते हैं, हम दोनों ना शहर चलते हैं। शहर? शहर जाने की क्या जरूरत है? ओफो, तो फिर कहाँ जाने की जरूरत है बलदेव सिंह जी? वो अगर गिटार पिंड विच नहीं मिला तो शहर ही जाकर लेना पड़ेगा ना। क्या क्या कहा तूने? तुम कहीं मेमोरी लॉस की बीमारी तो नहीं है? हम शाम से यही तो डिस्कस कर रहे हैं ना कि मैंने वीर जी को सरप्राइज देना है, मुंबई जाने से पहले उनके वास्ते गिटार खरीदना है, तो फिर तेनू याद है ना? तू तमूरे के बारे में बात कर रही थी कब से? हाँ तू की सोच रहा था कुछ नहीं। मेरा तू काम कर, तू ना सोने जा, तंबूरे का बंदोबस्त कर देंगे हम दोनों। हैं? ठीक। कार्ड। इसको क्यों? तो वीरा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह थी। मैंने लग रहा था कि खैर बंदे ऐसा छोड़ दे। तेरी उस गट्टी की स्टेयरिंग तुम खुद संभालनी है। कि जो भी करना है अकेले करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कल रणवीर की ट्रेन छूटने से पहले पहले तुम रणवीर को अपने और वीरा के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देना है। हैं? बस इस बार तुम कोई नहीं रोक सकता। एक दो तीन चार पांच, रब्बा छाई जी बीजी, वीर जी मुंबई 2-3 साल के लिए नहीं जा रहे जो आप इतने सारे खाने पीने का सामान उनके लिए पैक कर रहे हैं। ओए नहीं चिचड़ी, कैसी गल्ला कर रही तू? तू नहीं समझेगी, ये तो इतना सा तो है सामान, एक हफ्ते में खत्म हो जाना है बेचारे के पास से। और करके खाने का ना स्वाद ही कुछ और होता है, समझी ना? चल आ जा, बहुत काम पड़ा है। मैं जानती हूँ कि आप दुखी हैं कि वीर जी आपके बगैर मुंबई जा रहे हैं, पर अभी आप वीर जी की बात समझने की कोशिश कीजिए, वो गलत नहीं है। वैसे अगर फीलिंग्स की बात करें तो आप भी गलत नहीं हैं।
रणवी, अरे बलदेव चाचू, बलदेव माफ करी, मैंने उस वक्त कहीं जाना पड़ गया था। अब बता तेनू, तेरे कुछ बात करनी थी। अरे कोई नहीं, गल्ला तो होती रहेगी, लेकिन उसके पहले मैं तेनू यह देना चाहता हूँ। ले ले की है बलदेव, खुद ही खोल के देख लेना, खोल खोल। फोन में ना सारी सुविधाएं हैं, तू फोटो वीडियो सब कुछ भेज सकता है, और दूसरे लोग भी ना तेनू भेज सकते हैं। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये मोबाइल कंपनी है ना, वो दूर रहने वालों के लिए ना बहुत बढ़िया चीज बनाई है उन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ वीर जी, ये तो है, अब हम ना आपसे आमने सामने बात कर पाएंगे कुछ पल के लिए, पर कम से कम आपके सामने होने का एहसास तो होगा। नहीं बलदेव, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकता। तेरे वास्ते नहीं है, समझा तू, ये तो मैं अपनी बहना के लिए लाया हूँ, ताकि तू रोज उसे अपना चेहरा दिखा सके। क्यों गुंजन? शुक्रिया बलदेव, मैंने समझ ही नहीं यार, मैं कैसे तुझसे। बड़ा आसान है, अपनी बहन मैनू दे दे। शुक्रिया किस बात का है? तेरे लिए तो जान भी आ जी रहा है। ए डायलॉग कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन रणवी लग तो रहा बहुत खुश है मेरे तोहफे से। मौका सही है चौका मारने वास्ते, अभी उससे वीरा की बात करता हूँ। वीरा है देख। फिर जी ये चंगा हुआ, मैं ना पिछले कुछ दिनों से कांटेक्ट इकट्ठा कर रही थी मुंबई के उन लोगों के जो आपकी मदद कर सके, अब वो सारे कांटेक्ट्स ना मैं आपके फोन में ट्रांसफर कर दूंगी, इससे आपको मुंबई में परेशानी नहीं होगी। फोन दीजिए मैनू। ये भी आना था, फोन में घुसकर मारने की सुविधा नहीं है, अभी बहुत पिट पाई। तू मेरे कंधे पे खुफिया कैमरा लगा के रखा है क्या? हैं? तो तेनू यह बताता है मैं कब क्या कर रहा हूँ, जबकि तू अच्छा काम करने जाता हूँ बीच में कूद के सब बिगाड़ देता है तू। नहीं नहीं बाजी, मैं कुछ बिगाड़ने नहीं आया था, मैं तो ये टिकट देने आया था, अपने जग्गी को गई थी ना। ठीक है जा तू। रणवी, अरे एक मिनट इधर आना। हाँ बलदेव। रणवी, मैंने तेरे नाल एक जरूरी बात करनी थी ना। हाँ बता ना। वो क्या देख बात दरअसल आई थी कि वो हाँ मैं कह रहा था कि मैं ना बड़े दिनों से कह रहा था कि मेरे और तुझे बस ये बताना था कि एक मिनट मैं अभी आया। क्या है? कुछ चल, हमारे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, पीछे के वास्ते गिटार लाना है, शहर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, चल। पांच मिनट रुक के नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते, अभी जाना जरूरी है, अगर लेट हो गया लगी बात। चल चल बहुत जरूरी है। अच्छा सुन सुन, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दे मैंने, प्यास लगी है, पिला देना।
मीरा और मैं एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। अब आगे तेनू जो ठीक लगे तू जाने, ठीक ना भी लगे तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे प्यार का मामला है। बस हो गया। वीर जी, हाल चाचू, वो दरअसल ना हम दोनों को साइट के कुछ काम वास्ते जाना है, बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है? ठीक है। वही, एक मिनट, एक मिनट। मम्मी। हाँ? तेरी टिकट इसमें। शुक्रिया बलदेव, शुक्रिया। अच्छा, लिफाफा खोल कर देख ले, ट्रेन की जानकारी सब ठीक है ना? हाँ बलदेव, मतलब अभी देख ले। हाँ, कर लेता अभी। बलदेव, वीर जी पढ़ लेंगे ना, तो चल, हमारा जाना भी तो जरूरी है ना, वो काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। चल सर, वीर जी देख लेंगे। चल चल, देख लेना। हाँ, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।